ओके जी, तो हम लोग लास्ट क्लास में कहाँ थे? हाँ थ्योरम लिख रहे थे ना। थ्योरम था। सो दिस वाज सेइंग इफ एक्स वन एक्स टू एक्स एन These are random sample from normal mu sigma square, है ना। जितने भी एक्साइज हैं ऑल आर नॉर्मल रैंडम वेरिएबल विथ मीन म्यू वेरियंस सिग्मा स्क्वायर। देन पहला रिजल्ट हमने लिखा था दैट एक्स बार एंड ठीक है एक्स बार एंड एस स्क्वायर आर इंडिपेंडेंट। ठीक है, सेकेंड रिजल्ट है एन माइनस वन एस स्क्वायर अपॉन सिग्मा स्क्वायर। दिस हैज डिस्ट्रीब्यूशन काई स्क्वायर एन माइनस वन, है ना। काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन विद एन माइनस वन डिग्री ऑफ फ्रीडम। एंड थर्ड हमने लिखा था ई ऑफ एस स्क्वायर। क्या आया था जी? ई ऑफ एस स्क्वायर। एंड फोर्थ में लिखा था वेरियंस ऑफ एस स्क्वायर। सो व्हाट वाज आंसर फॉर ई ऑफ एस स्क्वायर? सिग्मा स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर। और वेरियंस क्या आया था? एन माइनस वन के लिए हो जाएगा एन एन माइनस वन टू सिग्मा फोर बाय एन माइनस वन हो जाएगा। 2 सिग्मा 4 बाई n माइनस 1। चेक करना, लास्ट में प्रूफ किया था ना n-1 स्क्वायर बाहर आएगा और वेरिएंस σ4 बाहर आएगा इज इक्वल टू 2n-1। n-1 कैंसिल हो गया एक। ओके ठीक है ना। अच्छा देखो, इसका प्रूफ जो था इन दोनों पार्ट में मैंने देखा, कैसेला बर्गर में प्रूफ है, तुम देख सकते हो डिटेल में। इस बुक में प्रूफ नहीं है क्योंकि थोड़ा सा डिफिकल्ट प्रूफ है इसलिए दिया नहीं है। तो सर प्रूफ कराने के मूड में हूँ नहीं, मैं देखा है, समझ भी आया, लेकिन थोड़ा तुम लोगों के लिए मुश्किल होगा। बट स्टिल यू कैन सी कैसेला बर्गर में चैप्टर 5, जहाँ से मैंने देखो चैप्टर 13 जो चल रहा है साहू वाला, वो एग्जैक्टली चैप्टर 5 है कैसेला बर्गर में। मतलब ऐसा है, पहला 4 चैप्टर जो है वो प्रॉबिलिटी का है कैसेला बर्गर वाली बुक में। हाँ, जो स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस बाई कैसेला बर्गर, है ना। तो उसमें मैं उसको फॉलो करूंगा, बहुत अच्छी बुक है वो। पहले एक बार अब इसको 18 तक निपटा कर फिर एक बार हम उसको देखेंगे। बहुत अच्छे अच्छे मतलब कॉन्सेप्ट तो वही है, बट एक बार रिविजन कर लेंगे, थोड़ा सा हायर लेवल का कॉन्सेप्ट उसमें मिलेगा। अभी तो इसका प्रूफ मैं नहीं करता हूँ, बस थोड़ा जस्टिफाई कर देता हूँ क्या वो है। जैसे लाइक यू नो, जैसे क्या होता है ना, एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, या चलो मान लो एक्स बार है, या ऐसा बोलो एक्स आई लेते हैं, चलो एक्स आई। सो ईच एक्स आई हैज, चूंकि एक्स आई नॉर्मल है ना, और उसका मीन म्यू है और स्टैंडर्ड डिविजन सिग्मा है, तो ये तुम्हें पता है कि ये होगा नॉर्मल 0 1, है ना। और इसका स्क्वायर करोगे तो ये तुम्हारा आता है काई स्क्वायर 1, ठीक है ना। और ठीक है जी, उसके बाद इस पे तुम समेशन लगा दिए आई फ्रॉम 1 to n, तो एक्स आई माइनस म्यू अपॉन सिग्मा होल स्क्वायर, दिस इज डिस्ट्रीब्यूशन काई स्क्वायर एन माइनस वन, ठीक है ना। तो जिन लोगों को प्रूफ में इंटरेस्ट है, तुम कैसेला बर्गर में चैप्टर 5 जाके देखना। चैप्टर 5 का शायद ये पहला ही थ्योरम है, ये वाला जो लिखा है ना, ये जो थ्योरम है इसमें भी यही 3 पॉइंट लिखा है, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3, इस तरह से डिफाइन किया है फर्स्ट थ्योरम ये उस चैप्टर का। मैं भी चेक करना। सो दिस इज काई स्क्वायर, सॉरी ये क्या होगा, यहाँ म्यू है ना। स्क्वायर हाँ ये म्यू है, मीन है ना, मतलब म्यू कोई कांस्टेंट होगा, म्यू गिवन होगा। अगर म्यू गिवन नहीं है तो उसका एस्टिमेटेड वैल्यू एक्स बार यूज करते हैं ना, सो एन होगा, ठीक है। बस यहाँ से तुम ये याद रखना बस कि व्हेन यू हैव म्यू गिवन देन ये यूज होता है। अगर म्यू नहीं पता है सो देन समेशन आई फ्रॉम 1 to n एक्स आई माइनस एक्स बार, सो इन प्लेस ऑफ म्यू यू विल यूज एक्स बार ना, और जो एस्टिमेटर है म्यू का, सो दिस
विल हैव डिस्ट्रीब्यूशन काई स्क्वायर इन माइनस वन, ठीक है। जब म्यू के प्लेस पे तुम एक्स बार यूज करते हो तो डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, काई स्क्वायर इन माइनस वन डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है। और इसके पीछे कहीं ना कहीं लॉजिक ये है कि एक्स बार में ना कहीं एक्स आई इन्वॉल्व है, एक्स आई मतलब कोई एक इकाई, मतलब लाइक तुम ए आई को वन ले लो तो एक्स वन है, तो एक्स बार तुम्हें पता है सबको कि एक्स बार इज नथिंग बट वन बाई एन समेशन एक्स आई, है ना। सो उसके पीछे लॉजिक ये है कि एक्स बार में एक्स आई भी इन्वॉल्व है, सो इस वजह से डिग्री ऑफ फ्रीडम कम आता है। सो यू कैन चेक द प्रूफ देयर, है ना। अगर तुम चाहो तो अभी मैं खोल कर दिखा सकता हूँ, लाइक बुक है ना मेरे पास, पीडीएफ है, सो यू कैन चेक दैट इफ यू वॉन्ट, ठीक है ना। अगर प्रूफ देखना हो तो, क्योंकि मैं देखना तो नहीं चाहूंगा, बट यू कैन सी। तो इसके एक्साइज में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, एक एक एक्साइज में देखोगे तुम ना, जैसे चैप्टर फोर के एक्साइज में कितने क्वेश्चन हो गए, टोटल 65 क्वेश्चन है, तो ऐसे ही एक एक साइज में 60 के अराउंड क्वेश्चन होगा, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है। तो तुम चाहो तो प्रैक्टिस भी कर सकते हो, और मार्केट में इसका सोल्यूशन भी अवेलेबल है, मतलब गूगल पर सर्च करोगे तो कैसेला बर्गर का सोल्यूशन भी अवेलेबल है, तो सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हुए गूगल में मिल जाएगा। तो क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा है इसके एक्साइज में, तुम चैप्टर वन देखोगे बेसिक प्रोबेबिलिटी है, चैप्टर टू उसके हिसाब से, चैप्टर फोर जो है ये मल्टीपल रैंडम वेरिएबल है, और चैप्टर फाइव से स्टार्ट होता है, दिस इज फाइव प्रॉपर्टीज ऑफ रैंडम सैंपल, ठीक है। सो व्हाट आई वांटेड टू से, सो इसमें क्या किया, पहला उन्होंने वही डिफाइन किया जो लास्ट क्लास में उन्होंने डिफाइन किया था फर्स्ट वर्ड, सो व्हाट इज रैंडम सैंपल, डिफाइन कर रहा है व्हाट इज रैंडम सैंपल। बना ले। सो द रैंडम वेरिएबल x1 x2 xn आर कॉल्ड रैंडम सैंपल, ये लास्ट क्लास में लिखा था, दिस इज नथिंग बट iid रैंडम वेरिएबल, है ना। So x1, x2, xn are iid random variable. Let's take this. Anyway, तो हम आगे बढ़ते हैं। और स्टैटिस्टिक्स यहाँ डिफाइन किया है ना, लास्ट में डिफाइन किया व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स, तो यहाँ जैसे सीधा लिख दिया है क्या, x1 x2 xn बी द रैंडम सैंपल ऑफ साइज n फ्रॉम पॉपुलेशन एंड t ऑफ x1 x2 xn बी द रियल वैल्यूड फंक्शन और अ वेक्टर वैल्यूड फंक्शन हुज डोमेन इंक्लूड्स द सैंपल स्पेस ऑफ दिस, देन द रैंडम वेरिएबल और द रैंडम वेक्टर y व्हिच इज अ फंक्शन ऑफ x1 x2 xn इज कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स, the probability distribution of a statistics y is called the sampling distribution of y, so statistics ka jo probability distribution hai usko hum sampling distribution bolte hain, so main point inhone yahan likha hai, so the definition of a statistics is very broad with the only restrictions being that a statistics cannot be function of a parameter, theek hai, so statistics cannot be the function of parameter, so ye bas के बाद, सो यू नो एक्स बार यू ऑलरेडी नो, ठीक है, और एक्स स्क्वायर यू नो, सो कम्स टू दिस थ्योरम, अच्छा ये तो प्रूफ कर सकते हो, ये इफ यू वांट यू कैन डू दिस, ये वन वेरिएबल के लिए हमने प्रोबेबिलिटी में किया होगा, इफ यू वांट टू डू दिस थ्योरम देन सिंपल है। हमने क्वेश्चन किया था ना, इफ यू रिमेंबर, ये वैसा क्वेश्चन है ना, एक क्वेश्चन में लिखा था कि लाइक देयर इज अ फंक्शन एफ ए, सो ई ऑफ एक्स माइनस ए होल स्क्वायर, ऐसा कुछ था, सो दिस इज मिनिमम व्हेन ए इज इक्वल टू व्हाट, ये था ना, ये किया था हमने,
याद है क्या आंसर है इसका? ये फंक्शन मिनिमम कब होता है? एक ही किस वैल्यू के लिए? फिक्स होगा सर, सो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स एंड नॉट यू कैन से म्यू म्यू ऑफ एक्स। सो सेम चीज यहाँ है, देखो यहाँ क्या किया इन्होंने, जनरलाइज कर लिया। सो व्हाट दे डिड, मिनिमम ऑफ एक्स वन माइनस ए होल स्क्वायर प्लस एक्स टू माइनस ए होल स्क्वायर एंड सो ऑन, एक्स वन माइनस ए स्क्वायर। सो इन प्लेस ऑफ ए यू विल गेट एक्स बार। यहाँ पे एक्स वन एक्स टू एक्स एन क्या है? ए नहीं नंबर है। तो ये एज अ कोई कैलकुलस टाइप का क्वेश्चन मान लो। प्रूफ बिल्कुल वैसे ही जैसे उसका प्रूफ तुमने किया होगा। सो यू कैन सी दैट, ये सब बाद में हम देखेंगे जब करेंगे। अभी हम आते हैं अपने मेन क्वेश्चन पे। दिस यू ऑल नो। एक्सपोनेंशियल फैमिली भी देखेंगे आगे आएगा। ना डिफाइन किया इसने, सैम्पलिंग फ्रॉम द नॉर्मल पॉपुलेशन। यस सो या सो दिस इज द थ्योरम इन दिस टॉपिक, थ्योरम 5.3.1। सो एक्स वन एक्स टू एक्स एन विद रैंडम सैम्पल फ्रॉम पॉपुलेशन नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन। सो एक्स बार, यहाँ तो आप प्रिंटिंग का यहाँ चलता है ना, तुम्हें एक्स दिख रहा होगा, ये एक्स बार है। एक्स बार इज 1/n समेशन एक्स आई, एंड एस स्क्वायर इज 1/n-1 समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर। देन एक्स बार एंड एस स्क्वायर आर इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल। एक्स बार हैज डिस्ट्रीब्यूशन, सो एक्स बार के बारे में तुम्हें पता है नॉर्मल होगा, मीन म्यू आता है, वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर बाई एन आता है। ये लिखा है कि एक्स बार हैज डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर बाई एन, एंड सी पार्ट तो जो कि एन माइनस वन एस स्क्वायर अपॉन सिग्मा स्क्वायर हैज काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन विथ एन माइनस वन डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब यहाँ इन्होंने प्रूफ लिखा है, सो इफ यू वॉन्ट यू कैन गो विद द प्रूफ। एग्जाम में प्रूफ नहीं आता, लेकिन जानकारी के लिए ना, समझदारी के लिए यू कैन गो विद द प्रूफ। सो व्हाट दे डिड, ओके सो दे आर सेइंग पार्ट बी इज इजी। हाँ तो पार्ट बी तो ऑब्वियस है, यू हैव टू कंसीडर ऑन पार्ट ए एंड सी। सो टू प्रूव पार्ट ए इज एक्स बार एंड एस स्क्वायर आर इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल। अप्लाई थ्योरम 4.6.12। अब तुम्हें जाना पड़ेगा 4.6.12 में, जो पिछले चैप्टर में था, तो देखो क्या है उसके, वो यूज करेगा इसमें। सो तो क्या किया है ऐसे ऊपर, ओवरऑल वो देख लो बस, किया क्या है इसमें। एस स्क्वायर को इसने ओपन किया, इसमें एक्स वन को अलग कर लिया, इसने सेपरेट कर लिया इसमें से, ओके अब बाकी को एक साथ रखा। सो यहाँ आई वन से एन है ना, सो इसने क्या किया है, जो वन से एन समेशन है उसमें वन को बाहर कर दिया और टू से एन तक इसमें काउंट कर लिया, ठीक है। एंड देन टू टू एन आई थिंक इसको ब्रेक किया, चेक करो क्या किया नेक्स्ट स्टेप में। मतलब इसको ओपन करोगे दिया आएगा, दोनों टर्म तुम्हें तो प्रूफ करना पड़ेगा। यहाँ क्या है देखो, यहाँ स्क्वायर सिर्फ इस टर्म पे है, यू सी मतलब समेशन पे स्क्वायर नहीं है, यहाँ समेशन को ब्रैकेट के अंदर लाया गया है, यहाँ समेशन बाहर है स्क्वायर के। तो फिर लुक केयरफुल्ली, ये जो स्क्वायर है यहाँ पे, ये समेशन के, समेशन पे नहीं है, समेशन के अंदर है, और यहाँ मतलब स्क्वायर बाहर आ गया, समेशन के ऊपर आ गया। सो ये तुम्हें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, दिस विल गिव दिस, एंड देन उसके बाद फिर इसने कुछ किया है। सो यू कैन चेक विद द प्रूफ, ठीक है, मैं बता दिया कि स्पेस पे है। सो इफ यू वांट, क्लास के बाद तुम अपना बुक तुम्हारे पास होगा, गूगल पे अवेलेबल है, 244 पेज में दिखा रहा है, और प्रूफ तुम देख सकते हो, क्योंकि यूनिवर्सिटी में प्रूफ प्रूफ आते होंगे, एमएससी करोगे वहाँ पूछते हैं, यूनिवर्सिटी में आईआईटी तो नहीं पूछता है प्रूफ प्रूफ, बट तुम ऐसे देख सकते हो अंडरस्टैंडिंग के लिए।
इसमें ट्रांसफॉर्म करके फिर इसका डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड किया है। तो प्रूफ थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसलिए मैंने इतना टाइम देने के बजाय है ना, क्योंकि प्रूफ क्या होता है, कंस्ट्रक्टिव होते हैं बहुत सारे प्रूफ। क्या है कंस्ट्रक्टिव? कंस्ट्रक्टिव मतलब क्या हुआ कि लाइक किसी ने प्रूफ किया, यू हैव टू फॉलो दैट, तो तुम्हें एक बार समझना पड़ेगा, देन यू हैव टू राइट द सेम थिंग। तो तुम्हें नया प्रूफ देना है तो उसके लिए काफ़ी टाइम लगेगा, है ना। एनीवे तो अभी हमें सीधा मैं बोलता हूँ इसको, बस याद रखना। ओके सो लाइक दिस, इफ यू प्लेस म्यू बाई एक्स बार, सो यू विल हैव दिस डिस्ट्रीब्यूशन, काई स्क्वायर एन माइनस वन। अच्छा ये जो टर्म है ये कुछ और नहीं है, अगर तुम सिंप्लीफाई करोगे तो इसको मैं हटा देता हूँ, एंड इफ यू सी दिस, दिस इज नथिंग बट, दिस टर्म इज नथिंग बट एन माइनस वन एस स्क्वायर बाई सिग्मा स्क्वायर। ये जो ऊपर लिखा गया है टर्म, दिस टर्म इज नथिंग बट दिस। सो ये जो टर्म है दिस इज एन माइनस वन एस स्क्वायर बाई सिग्मा स्क्वायर, एंड दैट विल हैव डिस्ट्रीब्यूशन काई स्क्वायर एन माइनस वन। सो इफ यू रिमेंबर दिस, दैट्स ऑल। ठीक है, तो ये जो टर्म है इसका इक्विवेलेंट है। सो एल एच एस जो है, ये जो एल एच एस दिख रहा है, दिस इज दिस, बिकॉज यू नो द डेफिनेशन ऑफ एस स्क्वायर, है ना। सो एस स्क्वायर यू ऑल नो, वन अपॉन एन माइनस वन समेसन एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर आई फ्रॉम वन टू एन, है ना। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तुम्हें दिख रहा होगा, सो एन माइनस वन एस स्क्वायर यू विल गेट समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर आई फ्रॉम वन टू एन, ठीक है। और बस दोनों तरफ डिवाइड कर दो उससे, सिग्मा स्क्वायर से। तो जो ही सिग्मा स्क्वायर से डिवाइड करोगे तुम्हें पता चल जाएगा दोनों सेम चीज है। तो सिग्मा स्क्वायर में कहीं आई तो है नहीं, तुम समेशन के अंदर ले आ सकते हो उसको, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सो वट आई वॉन्टेड टू शो यू बाई दिस, सो ये बस मैं इसलिए बताया ताकि तुम्हें ये समझ आए कि ये चीज़ और ये चीज़ सेम है। ओके सो कैन रिमेंबर लाइक दिस। अब क्या है, और ये फॉर्मूला याद रखना, नहीं तो तुम्हें पता ही है डिराइव हो जाएगा। तो ये इस पे जैम में क्वेश्चन आए हैं, एक दो बार मुझे दिखा है, सो अभी जैम के पेपर भी सॉल्व करेंगे, उसके बाद एक बार ये खत्म हो जाता है तो सारे पेपर्स। ओके तो मैं इसको आगे कंटिन्यू करता हूँ, उसमें अगला क्या है। तो आगे फिर वही है लॉ ऑफ लार्ज नंबर, तो बस एक मैं डिवाइस करा देता हूँ जो पहले हमने डिस्कस किया था, वो सब है। सो इन्होंने स्टार्ट किया जैसे लॉ ऑफ लार्ज नंबर, सो बस एक बार रिवाइज करूंगा मैं, फिर क्वेश्चंस करेंगे इसके एग्जांपल्स होगा। बाकी का आगे एस्टिमेशन का नेक्स्ट चैप्टर में है, तो अभी 14 चैप्टर में आएगा इसके। ओके तो इसमें कुछ रिवाइज करा रहा है मार्कोव्स इनइक्वालिटी, जैसे मार्कोव्स इस बार सिलेबस में भी स्पेशल मेंशन किया हुआ है ना, तुम सिलेबस देखोगे तो स्पेशली मेंशनड मार्कोव्स एंड चेबीशेव और इस तरह से इनइक्वालिटीज के जो नाम लिखे हैं, तो मैं एटलीस्ट याद होना चाहिए, क्योंकि जैम में हो सकता है डायरेक्टली उस पर बेस्ड क्वेश्चन आ जाए, तब सबके बारे में पता होना। जैसे यहाँ पे इन्होंने डिफाइन किया है मार्कोव इनइक्वालिटी क्या होता है, इसको याद है? सिर्फ प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन एप्सिलॉन इज लेस देन इक्वल टू एक्स अपॉन एप्सिलॉन। हाँ ठीक है, यू कैन टेक इक्वालिटी हियर, एक्स अपॉन एप्सिलॉन। हाँ इसी को जनरलाइज भी कर सकते हैं, जैसे क्या होता है तुम दोनों तरफ पावर ले लो, ये देखो इसी चीज को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड है ना, तो कभी कभी इफ यू टेक पावर के, सो इफ यू टेक पावर के बोथ साइड, ये बात वही है, ये दोनों टेकिंग पावर के बोथ साइड, दोनों अगर पॉजिटिव क्वांटिटी है ऑब्वियसली एप्सिलॉन वी कंसीडर पॉजिटिव, सो यहाँ पे पॉजिटिव कंसीडर करता हूँ। सो इन दैट केस व्हाट यू विल सी, सो अगर यही फॉर्मूला मैं यूज करूँ, सो व्हाट डू यू सी दैट दिस इज लेस देन इक्वल टू ई ऑफ एक्स की पावर के अपॉन एप्सिलॉन की पावर के, तो वही चीज है, बस मैंने क्या किया एक्स को रिप्लेस किया एक्स बार के से, एप्सिलॉन को इससे, और एक्चुअली ये वाली क्वांटिटी सेम है, तुम यू कैन कैंसिल के बोथ साइड,
ना, मैंने क्या किया दोनों तरफ मल्टीप्लाई तो किया है, मतलब पावर दोनों तरफ लिया ना। सो मीन्स तुम ये भी लिख सकते हो, सो जो भी यूज करना हो, बोथ आर सेम थिंग। लाइक यू कैन ऑल्सो राइट एक्स मोर देन इक्वल टू एप्सिलॉन, दिस इज लेस देन इक्वल टू ई ऑफ एक्स रेज़ टू पावर के अपॉन एप्सिलॉन रेज़ टू पावर के। ठीक है, एक्चुअली चेबी सेवन इक्वालिटी इसी से प्रूव हुआ है, इसी को आगे बढ़ा के चेबी सेवन इक्वालिटी इसी से आया है। सो यू कैन ऑल्सो राइट दिस थिंग के यू कैन टेक एनी नेचुरल नंबर फॉर ऑल के बिलोंग्स टू नेचुरल। वन लो लोगे तो दोनों सेम हो जाएगा, इफ यू टेक के इज वन देन बोथ आर सेम। आगे भी ऐसे लिख सकते हो। इसमें क्या किया गया, देखो इसी में तुम x के प्लेस पे अगर तुम जो तुम्हारे पास है x मोर देन इक्वल टू साइलेंट लेस देन इक्वल टू ई एक्स अपॉन साइलेंट, सॉरी साइलेंट यही था ना फर्स्ट वाला, तो इसमें अगर x को तुम रिप्लेस करो मॉड x माइनस म्यू से, ठीक है क्या होगा, तो अकॉर्डिंग टू रिजल्ट क्या आएगा, तुम इसको ये लिख सकते हो E of mod x minus mu upon epsilon, ये हुआ ना। मैंने क्या किया x को replace किया बस इस टर्म से, so right side में भी x को replace कर दो उस टर्म से। What if you square both side, जैसे मैंने इसमें क्या करो squaring both side कर दो, क्या होगा x minus mu whole square is more than equal to epsilon square। देखो चीजें यही है, इसकी value और इसकी value same ही है, तुम ध्यान दो तो, क्योंकि squaring just तो कर रहा हूँ, चीज़ें सेम ही रहेगी। और यहाँ क्या हो जाएगा अगर वही फॉर्मूला यूज करो तो ई ऑफ एक्स माइनस म्यू होल स्क्वायर, अब मॉड पे स्क्वायर लगाने से मॉड खत्म हो जाता है क्योंकि स्क्वायर मॉड है ना, अपॉन एप्सिलॉन स्क्वायर। और इफ यू रिमेम्बर तो ये वाली क्वांटिटी वही है, स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल कर दो या हटा दो है ना, तो क्या मिलेगा एक्स माइनस म्यू होल स्क्वायर एप्सिलॉन लेस देन इक्वल टू, और इसको क्या बोलते हैं, इसका नाम क्या है, तो ये आपका वेरिएंस एक्स अपॉन एप्सिलॉन स्क्वायर। सो दिस इज वन ऑफ द फॉर्म ऑफ द चेबीशेव इनइक्वालिटी, यही है ना एक फॉर्म है, बाकी इसी को तुम मॉडिफाई कर सकते हो अलग अलग फॉर्म में, एक्स माइनस म्यू मोर देन इक्वल टू के सिग्मा या समथिंग है ना, तो उसके अकॉर्डिंग ये आ जाता है वेरियंस एक्स जो कि सिग्मा स्क्वायर है अपॉन के स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर, तो ऊपर सिग्मा स्क्वायर है सिग्मा स्क्वायर कैंसिल हो जाता है तो वन अपॉन के स्क्वायर आ जाता है। तो बाकी फॉर्म तुम्हें याद है, कोई एक फॉर्म याद रखो दे और एस यू कैन डू। ओके तो मतलब मार्कोव इनइक्वालिटी और चेबीशेव इनइक्वालिटी रिलेटेड है, मतलब मार्कोव जनरलाइज फॉर्म है, चेबीशेव इनइक्वालिटी स्पेशल फॉर्म है उसका। ओके तो इसमें मेन क्या था, मैं एक बार रिपीट करता हूँ, जैसे इसमें मैंने थ्योरम लिखा स्क्वायरिंग करने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इनइक्वालिटी पे, कैसे पड़ेगा, जैसे मान लो 2 बड़ा है मैं बोलता हूँ 1 से, तो 2 स्क्वायर बड़ा होगा 1 स्क्वायर, दोनों सेम बात, अगर दोनों पॉजिटिव है तो ये दोनों सेम बात है। Yes, sir. Fact, मतलब 3 more than 2, तो 3 की पावर 4 more than 2 की पावर 4, सेम बात अगर दोनों पॉजिटिव है, सो इन दैट केस। ओके सो नेक्स्ट असेसमेंट थ्योरम है, थ्योरम है 13.9, सो व्हाट आर यू सेइंग, मैं बस रिपीट कर रहा हूँ, ये हमने पहले डिस्कस किए हैं, सो जस्ट आई एम सेइंग। So theorem 13.9 is saying x1, x2, xn and so on be the sequence of iid random variables. So let x1, x2 and so on. तो इसका कोई एंड नहीं है क्योंकि सीक्वेंस में इनफाइनाइट टर्म्स होते हैं, ठीक है, इसलिए इसने एंड डॉट 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 सीक्वेंस है, दिस बी सीक्वेंस ऑफ iid रैंडम वेरिएबल, सो आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड इंडिपेंडेंट, मतलब इंडिपेंडेंट एंड आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल्स विथ मीन, जो मीन है आपका ई एक्स आई है, एंड वेरियंस सिग्मा स्क्वायर जो कि वेरियंस ऑफ एक्स आई है। सो व्हाट दे आर आस्किंग यू फॉर ऑल आई, सो देन ये तुम्हें बताना चाह रहा है लिमिट एंड, देखो इसने पहले थ्योरम लिखा है एक्चुअली, जैसे होना चाहिए पहले डिफाइन करना चाहिए, तो इन्होंने पहले तुम्हें थ्योरम लिख के बताया, लिमिट प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बार माइनस म्यू मोर देन इक्वल टू एप्सिलॉन एंड दिस विल बी इक्वल टू जीरो, ये बता रहा है।
तो क्योंकि ये बुक में पहले ही डिफाइन नहीं करता है, अदरवाइज इसी को तुम ऐसे लिख सकते हो, अगर तुम्हें डेफिनेशन याद हो तो ये कुछ नहीं कहना चाह रहा, कहना चाह रहा है एक्स बार कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू म्यू, ये मतलब हुआ ना, अगर तुम्हें कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी याद है तो एक्स बार कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू म्यू। और इसका प्रूफ बहुत ईजी था भाई, तुमने तब भी देखे थे, अभी तो जो ईजी है वो तो ऐसे ही हो जाता है, थोड़ा मुश्किल तुम्हें टाइम देना पड़ेगा उसको फॉर द प्रूफ, अदरवाइज अंडरस्टैंडिंग के लिए तुम क्वेश्चन करके प्रैक्टिस करके तुम इजीली समझ सकते हो। ओके सो ये इसी थ्योरम का नाम एक्चुअली है वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर, है ना। ठीक है, इसी थ्योरम को ये बोलता है वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर। सर इसमें नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन भी होता है ना, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन इसके लिए, वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर। हाँ वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर एक थ्योरम है जो ये कहता है, मतलब नेसेसरी एंड सफिशिएंट क्या होता है, जो इसको जो देखो पी इम्प्लाइज क्यू होता है, तो ये मैथमेटिकल लॉजिक में चले जाएंगे, पी इम्प्लाइज क्यू लिखा होता है तो पी को बोलते हैं सफिशिएंट कंडीशन है क्यू के लिए, क्यू नेसेसरी है पी के लिए, है ना। तो यहाँ पे क्या है कि वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर एक नाम दे दिया गया थ्योरम का, इसका मतलब क्या है कि अगर तुम्हारे पास सीक्वेंस ऑफ आई डी रैंडम वेरिएबल है, वो जो एक्स बार होगा वो कन्वर्ज करेगा इन प्रोबेबिलिटी टू म्यू, तो कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी के लिए, मतलब एक्स बार कन्वर्ज करेगी इन प्रोबेबिलिटी में, उसके लिए नेसेसरी मतलब सफिशियंट कंडीशन हो गया ये कि आई आई डी रैंडम वेरिएबल तुम्हारे पास होना चाहिए। अब नेसेसरी क्या है, मतलब क्या जरूरी है, सो अगर कन्वर्ज करती है इन प्रोबेबिलिटी में देन इट विल अप्लाई टू व्हाट। क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड इसी पे आता है। सर तो दोनों में अंतर क्या होता है, नेसेसरी और सफिशिएंट वैसे देखा हाँ जाए तो? अंतर होता है ना, जैसे एग्जांपल मैंने एक रियल लाइफ एग्जांपल तुम्हें पहले भी दिया होगा कि मदर इम्प्लाइज वुमन, है ना, एंड तो ये हो गया कि मदर इज सफिशियंट कंडीशन फॉर वुमन, वुमन इज नेसेसरी फॉर मदर, पी इम्प्लाइज क्यू होता है ना, तो पी को हम बोलते हैं सफिशियंट है क्यू के लिए, दिस इज सफिशियंट फॉर क्यू एंड क्यू इज नेसेसरी फॉर पी। ठीक है, जैसे होता है इफ समथिंग देन समथिंग, तो अब इफ समथिंग देन समथिंग, लाइक इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको दूसरे टर्म बोलते हैं इफ पी देन क्यू, इफ पी देन क्यू, पी कोई स्टेटमेंट है क्यू कोई स्टेटमेंट है, तो ये जो पी स्टेटमेंट है सफिशियंट है क्यू को, अगर पी अकर होगा मतलब पी अगर ट्रू है तो क्यू गारंटी है ट्रू ही होगा। वो चीज है, तो पी सफिशियंट हुआ क्यू के लिए और क्यू नेसेसरी है पी के लिए, नेसेसरी इसलिए है कि अगर पी अकर होता है तो क्यू को अकर होना ही है, सो क्यू इज नेसेसरी फॉर पी, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको दूसरे हम लिखते हैं क्यू ओनली इफ पी, अगर तुम कहीं बुक में देखो तो ऐसा लिखा होगा क्यू ओनली इफ पी, तो इस तरह से अलग अलग स्टेटमेंट है, तो ऐसा बोलते हैं कि क्यू जो है नेसेसरी है पी के लिए, सो इसके अलग अलग फॉर्म्स हैं एक्चुअली, सो यू रिमेंबर, सो ये स्टेट वर्ड इफ पी देन क्यू है, तो पी इज सफिशियंट फॉर क्यू, क्यू इज नेसेसरी फॉर पी, ये मतलब हुआ। ओके तो यहाँ क्या है, कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी के लिए जो पहले देखो कहीं कहीं भी थ्योरम लिखा होता है ऐसा लिखा होता है इफ दिस देन दिस, तो इफ दिस समथिंग लिखा हुआ है इसका मतलब है कि वो सफिशियंट है देन वाले के लिए। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे क्या है, तुम्हारा जैसे अब सफिशियंट स्टेटिस्टिक्स है तो उसमें जो फैक्टराइजेशन थ्योरम है वो सफिशियंट है उसके लिए, या अगर तुम्हें कंसिस्टेंट एस्टिमेटर का याद हो तो वो जो होता है मीन शुड कन्वर्ज टू मीन कन्वर्ज टू जीरो, जो भी स्टैटिस्टिक्स लाइक ई ऑफ टी विल कन्वर्ज टू जीरो एंड वेरियंस ऑफ टी विल कन्वर्ज टू व्हाट, सॉरी क्या बोल दिया, ई ऑफ टी विल कन्वर्ज टू म्यू, जिसके लिए बात कर रहा हूँ थीटा के लिए बात कर रहा हूँ तो थीटा, एंड वेरियंस ऑफ टी विल कन्वर्ज टू, तो ये तुम पढ़ोगे वहां पे दिस इज सफिशियंट, दिस इज नॉट नेसेसरी, सफिशियंट फॉर कंसिस्टेंसी नॉट नेसेसरी, जरूरी नहीं ऐसा होगा तभी सब, मतलब हो सकता है कि कोई कंसिस्टेंसी के लिए मतलब ये सफिशियंट कंडीशन होता है, नॉट नेसेसरी, सो लाइक ये डिस्कस करेंगे वहां पे क्या होता है, जैसे इफ एंड ओनली इफ कहीं पे है पी इफ एंड ओनली इफ क्यू, तो इसको बोलते हैं नेसेसरी एंड सफिशियंट हो गया, इफ एंड ओनली इफ, इसका मतलब क्या है कि अगर पी अकर हुआ तो क्यू अकर होगा,
क्यू अकर हुआ तो पी अकर हुआ, तो पी एंड क्यू आर नेसेसरी एंड सफिशियंट फॉर ईच अदर, या पी इज नेसेसरी एंड सफिशियंट फॉर क्यू। So if and only doubt from your sir, the question tha na sir, ki for the existence of week of large number, the condition expectation of x i exist for all i, तो यहाँ पे क्या जो exist करेगा for all i, तो ये necessary होगा, sufficient होगा या both होगा, क्या होगा? Necessary, अच्छा यहाँ पे देखो, x i sufficient होता है ना? This means should exist and find, ये दोनों exist करना चाहिए, तो ये necessary condition है। अच्छा मतलब ये है iid है, अच्छा मतलब ये तो सफिशियंट हो गया ना, मतलब यहाँ पे मीन एग्जिस्ट कर रहा है और सिग्मा स्क्वायर तुम्हारा एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, फाइनाइट है, मतलब यू हैव अ सीक्वेंस ऑफ आईड रैंडम वेरिएबल, मीन इज फाइनाइट या मीन एग्जिस्ट एंड वेरिएंस एग्जिस्ट, देन दिस इज सफिशियंट फॉर वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर। सफिशियंट का मतलब हो गया कि दैट एक्स बार विल कन्वर्ज टू म्यू। एक्चुअली सफिशियंट हुआ ना, अच्छा नेसेसरी की बात करोगे, सो नेसेसरी फॉर दिस, तो इफ एंड ओनली इफ लिख पाएंगे क्या, तो उसके हिसाब से इफ एंड ओनली होना चाहिए, सर वन वे है, तो जरूरी नहीं है, हो सकता है वेरिएंस एग्जिस्ट ना करता हो, बट यहाँ वेरिएंस तो फाइनाइट है, कंज्यूम किया हुआ है। नहीं सर, वीक ऑफ लार्ज नंबर में वेरिएंस तो एग्जिस्ट करता है ना सर। हाँ वेरिएंस एक्चुअली एग्जिस्ट करता है, वो तुम इसको प्रूफ करोगे उसमें देखोगे, बट ऐसा नहीं, अगर नेसेसरी एंड सफिशियंट होता तो फिर इफ एंड ओनली इफ होता। देखो अगर नेसेसरी एंड सफिशियंट कंडीशन जब आता है ना, देन की जगह क्या होगा, इफ एंड ओनली इफ आएगा, डबल आई डबल एफ, आई डबल एफ का मतलब हुआ कि अगर ऐसा है तो ऐसा होगा, ऐसा हो रहा है तो मतलब अगर एक्स बार कन्वर्ज कर रहा है म्यू पे, देन ये गारंटी देगा कि म्यू एंड सिग्मा स्क्वायर आर फाइनाइट या दे हैव, तो कोई एक कंडीशन फेल हो जाएगा, जरूरी नहीं है वो सफिशियंट होगा, मतलब नेसेसरी होगा, सफिशियंट तो है बिकॉज दिस एग्जिस्ट, देन यू कैन से दिस, इफ मीन एंड वेरिएंस आर फाइनाइट देन यू कैन से दिस। तो अभी के हिसाब से नेसेसरी नहीं है, ठीक है, अब उसके लिए तुम्हें एग्जांपल ढूंढना पड़ेगा कि कोई ऐसा एग्जांपल है जिसमें ऐसा होल्ड करता हो लेकिन वो कोई एक कंडीशन फेल हो जाए, तो तुम जनरलाइजेशन में चले जाओगे। जैसे है, जैसे मान लो सेंट्रल लिमिट थ्योरम है, तो उसमें आईआईडी कंडीशन होती है, तो आईआईडी कंडीशन क्या हुआ, ये सफिशियंट कंडीशन हुआ है ना उसके लिए, मतलब इसमें आ जाएगा सफिशियंट वाले में, लेकिन अगर नहीं भी होता है वो तो भी होल्ड करता है, मतलब नॉट नेसेसरी, लाइक मुझे याद है इंटरव्यू में पूछा भी क्या था खड़गपुर में कि लाइक अगर आईआईडी कंडीशन हटा देंगे तो क्या होल्ड करेगा, सेंट्रल लिमिट तो तभी होल्ड करता है, तो आगे लिखेंगे। तो यहाँ तो तीन सारी कंडीशन हो गई ना, हमारे पास सिक्वेंस ऑफ रैंडम वेरिएबल है, पहली बात की आईआईडी होनी चाहिए, दूसरा मीन एग्जिस्ट करना चाहिए, तीसरा वेरिएंस तुम्हारे पास फाइनाइट होना चाहिए, देन दिस होल्ड्स। सो यहाँ जो तुम्हारे पास कंडीशंस है इफ में, यू हैव थ्री कंडीशंस, यू हैव आईडी रैंडम वेरिएबल्स, यू हैव मीन वेरिएंस एंड देन दिस होल्ड्स। अच्छा वेरिएंस की जरूरत कहाँ पड़ती है, जैसे वेरिएंस की इसमें जरूरत कहाँ पड़ेगी, प्रूफ में जरूरत पड़ेगी, जैसे तुम अगर इसको प्रूफ करोगे देन यू विल नीड दिस। वेरिएंस के कन्वर्जेंस पे भी कोई थ्योरम है क्या? वेरिएंस के कन्वर्जेंस में नहीं, अभी तो हम जैसे हमारे पास स्टैटिस्टिक्स होता है, ये जो एक्स बार है ना एक स्टैटिस्टिक्स है, स्टैटिस्टिक्स मतलब हुआ फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल है, तो ये इसके टर्म ये कहता है कि जो सैंपल मीन है वो कन्वर्ज करती है पॉपुलेशन मीन में। ओके अब बात करोगे एस स्क्वायर के बारे में, हाँ आगे इसका भी रिजल्ट आएगा, लाइक तो अगर आपने यहाँ देखा होगा, अभी मैंने अनवाइस नहीं पढ़ा है, तो हमारे पास क्या रिजल्ट था कि ई ऑफ एस स्क्वायर जो होता है वो क्या है, सिग्मा स्क्वायर है, इसका मतलब ये हुआ कि एस स्क्वायर क्या हुआ जी, क्या बोलते हैं इसको बताओ कोई, सैंपल मीन, सैंपल वेरिएंस, हाँ सैंपल वेरिएंस क्या है सिग्मा स्क्वायर के लिए, अगर ई ऑफ सैंपल वेरिएंस एस्टीमेटर ऑफ पॉपुलेशन वेरिएंस, हाँ अनबायस एस्टीमेटर हुआ सिग्मा स्क्वायर का, जैसे अब आप ई ऑफ एक्स बार निकालते हैं तो भी म्यू आता है, इसका मतलब है कि x बार इज द अनबायस एस्टीमेटर ऑफ म्यू, तो ये हम आगे करेंगे, अभी नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा 14 में आएगा, तो ये सब आगे की चीज है। कन्वर्जेंस की भी बात नहीं करें, एस स्क्वायर का कन्वर्जेंस की बात नहीं करते हैं अभी, ये सिर्फ मीन के लिए कन्वर्जेंस की बात करते हैं, वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर, कि जो सैंपल मीन है दैट कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू पॉपुलेशन मीन, मतलब एक्स बार कन्वर्जेस टू म्यू, एस स्क्वायर के लिए थ्योरम नहीं है अभी, वो आगे आएगा,
वो सब डिफरेंट क्राइटेरिया है। और ये सब आगे बहुत सारे यूज, अभी तो थ्योरेटिकली हम लोग देख रहे हैं, मतलब प्रोबेबिलिटी का बहुत एप्लीकेशन है हर फील्ड में, ये सब चीजें आगे काम आती है। ठीक है जी, तो आगे थ्योरम में बढ़ता हूँ। तो इसको अगर प्रूफ करना, जो प्रूफ इसका बहुत इजी है, बहुत इजी है कि तुम सीधा 27 गोल्डी लगा के इसको प्रूफ कर सकते हो, है ना। सो यू नो द इसका अपर बाउंड तुम्हें पता है कि दिस इज लेस देन इक्वल टू व्हाट, एक्स बार माइनस बी मोर देन इक्वल टू एप्सिलॉन है। तो क्या था ये, मतलब एक लाइन का प्रूफ है, इसमें कुछ है नहीं। प्रोबेबिलिटी एक्स बार माइनस म्यू मोर देन इक्वल टू एप्सिलॉन, क्या होगा आगे क्या लिखूं मैं, चलिए इक्वल टू लगाओ, वेरिएंस ऑफ व्हाट, एक्स बार, वेरिएंस ऑफ एक्स बार यहां पे है ना, हां एक्स बार है तो यहां एक्स बार होगा जो भी यहां पे है उसका, अपॉन सिग्मा स्क्वायर। वेरिएंस ऑफ एक्स बार क्या आता है, तो एक्स बार का वेरिएंस हमने निकाला था सिग्मा स्क्वायर बाय एन, और ऑलरेडी एप्सिलॉन स्क्वायर है। अब देखो अगर ये वेरिएंस फाइनाइट नहीं हुआ तो यहां पर ये इंफिनिटी हो जाएगी, अगर वेरिएंस फाइनाइट नहीं है तो ये इन्फिनिटी हो जाएगी। अच्छा मीन कुछ भी हो, मतलब मीन अगर उसके हिसाब से देखा जाएगा, यहाँ वेरिएंस है ना इसलिए कंडीशन लेते हैं कि वेरिएंस भी फाइनाइट, अदरवाइज ये इन्फिनिटी हो जाएगी फिर वो आगे तुम्हें ना, बट मुझे कहाँ कन्वर्स करना चाहिए, कन्वर्स टू जीरो, बट वो सिग्मा स्क्वायर अगर इनफाइनाइट हो गया तो प्रॉब्लम, इसलिए सिग्मा स्क्वायर मस्ट बी फाइनाइट एंड दिस विल कन्वर्स टू जीरो एज एन टेंस टू इन्फिनिटी। तो इसका मतलब ये हो गया कि तुमने ये प्रूव कर दिया, लाइक इफ यू टेक लिमिट सो यू प्रूव दैट लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, मतलब जब लिमिट एन टेंस इन्फिनिटी है तो ये वैल्यू जीरो पे जा रही है। तो प्रोबेबिलिटी एक्स बार माइनस म्यू दिस मोर देन इक्वल टू एप्सिलॉन दिस इज इक्वल टू जीरो, एंड बाय डेफिनेशन ऑफ कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी एक्स बार कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू म्यू। सो इतना याद रखना कि यू हैव आईआईटी रैंडम वेरिएबल्स विद मीन म्यू एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर, देन एक्स बार कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू म्यू, है ना। जैसे जहाँ में क्वेश्चन किया यहाँ तुम्हें देता है व्हाट इज दिस नंबर, तुम्हें मीन निकालना होता है, मतलब ऐसे डायरेक्टली एप्लीकेशन स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में, अगर देखोगे तो तुम्हें मीन निकालना है बस उसका, या ये क्वांटिटी यहाँ पे कुछ और लिख दिया हुआ है, यहाँ कुछ लिखा तुम्हारा के लिख दिया क्वेश्चन व्हाट इज के, तुम्हें वहाँ मीन निकालना है, तुम्हें बस स्टेटमेंट याद होना चाहिए ठीक से, तो वहाँ तुम्हें मीन फाइंड करना है। ओके सो नेक्स्ट क्या है, तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं देते हैं। अच्छा कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी को अगर जी सर ग्रुप में भेजे, देखिए ना क्वेश्चन, ओके दिस वेरी इनसफिशिएंट कंडीशन का, सुबेंदु भी क्वेश्चन भेजा था भाई, सुबेंदु तुम्हारा क्वेश्चन वो सॉल्व हुआ, कॉइन फॉर विच दिस 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 सॉल्व कर देखो भाई, जब तुम लोग सॉल्व ना हो तो पूछना, क्या पूछा है, xn इज अ सीक्वेंस ऑफ आईडी रैंडम वेरिएबल्स विद फाइनाइट मीन एंड वेरिएंस, xn सेटिस्फाइज, सो देखो क्या क्या तुम्हारे पास गिवन है, व्हाट यू हैव गिवन, xn सीक्वेंस है आईडी रैंडम वेरिएबल का वही पता है, मीन फाइनाइट है वेरिएंस फाइनाइट है, तो xn सेटिस्फाइड, वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर बट नॉट नेसेसरली सेंट्रल लिमिट थ्योरम, सेंट्रल लिमिट थ्योरम बट नॉट नेसेसरली वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर, नाइदर दिस नॉट दिस विदाउट फर्दर कंडीशन, बोथ with further condition, okay, so what is central limit theorem, पहले तो उसका statement लिख लो फिर देखेंगे। अच्छा ये बताओ पहले तुम लोग देख लो, तुम्हारे पास IID random variable है, mean finite है, variance finite है, so क्या लगता है, weak law of large number exist करता है या नहीं करता है, करेगा, है ना, तुम्हारे पास ये result है तुम्हारे पास, कि तुम्हारे पास IID होना चाहिए, mean variance are finite, then x and y converge to this, to this, हो गया ये, तो इसका मतलब है कि ये तुम्हारा necessary condition हो गया, like sufficient हो गया, this three thing like this for convergence of x bar to mu in probability, मतलब देखो term define करता हूँ किसके लिए बात कर रहे हो, वो फिर बोल रहा हूँ, जैसे कभी कभी क्या बोल देता हूँ, मैं बोलूंगा q जो है वो sufficient है p के लिए, p necessary है q के लिए, ठीक है इस तरीके से है, तो वो तुम लिख लेना एक दो बार मैथमेटिकल लॉजिक में, एक दो स्टेटमेंट है तो उसको देख लेना, लिखा ना कि P is sufficient for Q, अगर P implies Q, Q is necessary for P,
एफ पी देन क्यू, क्यू ओनली एफ पी, इस तरह से इसका अलग अलग रिप्रेजेंटेशन है. एनीवे तो वीक लॉ ऑफ लॉजिक एग्जिस्ट करेगा. व्हाट अबाउट सेंट्रल लिमिट थ्योरम? तो पहले सेंट्रल लिमिट थ्योरम लिखते हैं फिर बात करते हैं. तो वीक लॉ ऑफ लॉजिक विल एग्जिस्ट. अच्छा, कन्वर्जेंस प्रॉपर्टी का डेफिनेशन क्या था? तो इसके लिए डेफिनेशन ये था कि यू हैव लेट, देखो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है. वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर आईआईडी कंडीशन है और यहाँ पे कोई जरूरी नहीं आईआईडी कंडीशन होनी चाहिए. कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी के डेफिनेशन में कोई आईआईडी कंडीशन नहीं है. लाइक यू हैव ओनली सीक्वेंस, सो लेट लाइक एक्स वन एक्स टू डॉट 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 बी सीक्वेंस ऑफ रैंडम वेरिएबल. ठीक है, देन आगे क्या है विथ मीन, या ठीक है इसमें हम कहते हैं विच कन्वर्जेस, कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूशन, या कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हो, कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू अ रैंडम वेरिएबल एक्स. तुम्हारे पास सीक्वेंस ऑफ रैंडम वेरिएबल है और वो कन्वर्ज कर रही है किसी अदर रैंडम वेरिएबल एक्स पे. इफ क्या डेफिनेशन इफ एंड ओनली इफ होता है, ठीक है तो वही बात. हाँ, इफ व्हाट, क्या डेफिनेशन बताओ कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी? कोई सीक्वेंस है वो कन्वर्ज कर रही है इन प्रोबेबिलिटी टू एक्स. सो व्हाट इज दिस मीनिंग? प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स एन माइनस 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 एक्स एक्स आगे For all epsilon greater than zero, probability less than epsilon. This will converge to tends to zero. Tends to zero. Tends to zero लिखना या ये लिखना बराबर है? तुम यहाँ limit लगा दोगे? Tends to one sir. Tends to infinity. One sir. One sir. Less than epsilon है तो tends to one. हाँ. क्योंकि इसका मतलब है x एंड x पे कन्वर्ज कर रहा है. लेस देन एप्सिलॉन तो कन्वर्जेंस है, कन्वर्ज कर रहा है इसलिए वन है. प्रोबेबिलिटी वन है मतलब वो कन्वर्ज कर रहा है, इसे गारंटी है ना, ये प्रोबेबिलिटी है वन. हाँ, अगर मोर देन एप्सिलॉन यहाँ लिखोगे तब जीरो हो जाएगा. ठीक है, याद रखना. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ x एंड माइनस एक्स लेस देन एप्सिलॉन इज वन. लिमिट लगा दिया तो वही बात, तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो कन्वर्जेंस टू वन एज n टेंड्स टू इनफिनिटी, या उसी चीज को तुम ऐसे लिख लो, वही बात है. ओके, नेक्स्ट लेट्स कम टू सेंट्रल लिमिट थ्योरम. तो सेंट्रल लिमिट थ्योरम क्या है? या व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ सेंट्रल लिमिट थ्योरम? लेट कोई बताओ मुझे स्टेटमेंट. ये बड़ा इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ये पूछ लेते हैं. मतलब मैंने जितने पीएचडी का इंटरव्यू दिया हर जगह ये पूछा मुझसे कि व्हाट इज सेंट्रल लिमिट थ्योरम. Let x1, x2, xn be the random. x1, x2, xn be xn ले लो. हाँ. Be a random variable with mean expectation of xi mu हो जाए. IID random variable है ना, IID हम लोग IID case भी करते हैं. अगर IID नहीं है तो भी exist करता है. But हमें जो syllabus jam में है वो IID के लिए करना है. This be IID random variables. हाँ, with mean mu and variance sigma square. X minus expectation of x divided by under root variance of x follow करेगा normal distribution. X bar minus mu, x bar के लिए बात करते हैं हम लोग. तो x bar minus mu और x bar का स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा बाय रूट 10 स्टैंडर्ड डेविएशन. दिस विल कन्वर्ज, तो या तो ऐसे लिखो दिस विल कन्वर्ज इन डिस्ट्रीब्यूशन टू दिस, या डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब भी क्लियर करना है तरीका लिख लो. प्रोबेबिलिटी दिस लेस देन इक्वल टू कोई जेड ले लो, दिस इज फाई ऑफ जेड एंड वेयर लिमिट एंड टेंस टू इन्फिनिटी. फिर से लिमिट नहीं लिखना चाहोगे तुम ये लिखोगे, अगर लिमिट नहीं लिखोगे तुम ये लिखोगे कि दिस विल कन्वर्ज टू दिस एज एन टेंस टू इन्फिनिटी, वही बात है. तो एज इन ना लिख के तुम यहाँ इक्वालिटी लगा सकते हो, लिमिट लगा. तो दिस इज लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, ये मतलब हुआ. या दिस विल है ना, और इसी इसी का मतलब है, इसी को दूसरे टर्म में लिखोगे, ये जो लाइन लिखी गई है
इसका दूसरे सेंस में मतलब होता है कि एक्स आई माइनस म्यू अपॉन सिग्मा अपॉन रूट एन विल कन्वर्ज इन डिस्ट्रीब्यूशन टू जेड, कैपिटल जेड है, वेयर जेड हैज डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल जीरो वन। ये मतलब इन दोनों का डिस्ट्रीब्यूशन सेम होगा, ये कहने का मतलब है एज एन टेंस टू इनफिनिटी। ओके अब क्वेश्चन ये है कि देखो अब रिक्वायर्ड कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है इसमें, तो छोटे एग्जाम का क्वेश्चन लग रहा है, ऐसे क्वेश्चन ना छोटे छोटे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो क्या क्या रिक्वायरमेंट, क्या क्या रिक्वायरमेंट कंडीशन है? आईआईडी होना चाहिए, मीन वेरियंस फाइनाइट होनी चाहिए, तीनों तीनों होल्ड करेगा, वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर, स्ट्रॉन्ग लॉ ऑफ लार्ज नंबर, सेंट्रल लिमिट थ्योरम, ठीक है ना? मतलब वो, मतलब स्ट्रॉन्ग लॉ ऑफ लार्ज नंबर सिलेबस में नहीं है लेकिन वो भी इससे रिलेटेड ही है, तो वो कुछ नहीं उसमें, तो तीनों होल्ड करता है आईआईडी केस के लिए जहां फाइनाइट मीन वेरिएंस है, तो दोनों सही है, बोथ विल एग्जिस्ट। सर एक क्वेश्चन था सर, आपने जो कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी पे आपने जो बताया सर, उसमें x को आपने रैंडम वेरिएबल बोला है, तो म्यू तो रैंडम वेरिएबल तो होगा नहीं सर? कुछ और नहीं होता, मैंने पहले ही बताया हुआ है, c is nothing but the mean. This constant is nothing but the mean of this. Sir, ये sufficient condition हुआ ना दोनों के लिए, necessary के बारे में तो नहीं कुछ कह सकते? Necessary, हाँ वो sufficient है। इसका B option दिया हुआ है answer. Okay, किस exam का question आया हुआ है sir? Sir, exam का नहीं है, ये अमरिंदर वाली book का है। अच्छा CLT but not such a weak law of large number. So then xn satisfies. xn satisfies. Sequence will satisfy weak law of large number, central limit theorem. हाँ क्यों weak law of large number hold नहीं करेगा? क्योंकि hold तो कर रहा है, जो हमारे पास theorem है उसके हिसाब से तो hold करेगा। तब क्यों लगता है कि ये होल्ड नहीं करेगा? एक्सन विल नॉट सेटिस्फाई वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर, व्हाई विल नॉट सेटिस्फाई? तो सब कुछ लॉजिक हो ना, सॉल्यूशन अगर दिए होंगे तो बताए भी होंगे क्यों एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसका मतलब है नॉट नेसेसरली, व्हाई नॉट नेसेसरली? आईआईडी है, बस आंसर किया, सॉल्यूशन नहीं है। अच्छा कोई नहीं, मेरे दर्शक से हम बात कर लेंगे, हमारी बात होती है उनसे। सर तो ये जो आप जो बताए एक्सप्लेन किए, तो वो तो सफिशिएंट के लिए एक्सप्लेन किए ना, नेसेसरी के लिए तो कुछ नहीं कह सकते। आप सफिशिएंट के लिए एक्सप्लेन किए ना, मतलब जो देखो मैं क्या कह रहा हूँ, जैसे नेसेसरी कंडीशन किसका जानना ये होता है इसमें, ऐसा नहीं जैसे होता है कि मतलब तुम्हें अगर नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन जानना है किसके लिए जानना है, वो जैसे डेफिनेशन होता है, डेफिनेशन में जो कंडीशंस लिखी होती हैं वो नेसेसरी एंड सफिशिएंट दोनों होती है। मतलब देखो इसमें सिंपल है, जहां पे तुम्हारे पास इफ एंड ओनली इफ लिखा होगा वो बोथ नेसेसरी एंड सफिशिएंट होगा, ठीक है, एक दूसरे के लिए बोथ नेसेसरी एंड सफिशिएंट होगा, क्योंकि नेसेसरी एंड सफिशिएंट किसी के रेस्पेक्ट में होता है, किसके लिए बात करना है, जैसे पी इफ एंड ओनली इफ क्यू, तो P necessary and sufficient दोनों है Q के लिए, Q necessary and sufficient
है दोनों के लिए। अब यहाँ क्या देखो, अगर यहाँ इफ एंड ओनली इफ होता तो इसका मतलब हम ये बोलते, अगर इफ एंड ओनली इफ लिखा होता ना, देन हम बोलते कि ओके दिस कंडीशन जो हमने आगे लिखा है इफ में वो नेसेसरी एंड सफिशियंट भी है इसके लिए। लेकिन यहाँ पे किसके रेस्पेक्ट, मतलब किस चीज के लिए बात करना है, तो यहाँ पे सिर्फ सफिशियंट है। हाँ नेसेसरी कंडीशन क्या है, अच्छा वो फिर एक्सप्लेन करने के तुम्हें देखना पड़ेगा फॉर व्हाट। मतलब जैसे मान लो x बार कन्वर्ज करेगा टू p, सो व्हाट इज दिस नेसेसरी कंडीशन, नेसेसरी मतलब होता है मिनिमम कंडीशन क्या होगा, ठीक ना, दिस विल इंप्लाई व्हाट। ठीक है सर, देख के बताइएगा ना। ठीक है देखेंगे, ना कभी कभी क्वेश्चन ही समझ नहीं आता, आंसर तो हो जाता है। ओके हाँ जी, आगे इसको खत्म भी करना है चैप्टर जल्दी। ठीक है कुछ क्वेश्चंस कर दो। सेंट्रल एलिमेंट थ्योरम में क्या एक वर्ड यूज है, डिस्ट्रीब्यूशन, कन्वर्जेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी लिख ही देता हूँ, फिर हम क्वेश्चन करते हैं। कन्वर्जेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन, तो इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब ऐसे ही है कि लेट एक्स वन एक्स टू, कन्वर्जेंस की कहीं भी बात होती है तो सिक्वेंस होता है, ठीक है, चाहे वो रियल नंबर में हो चाहे वो प्रोबेबिलिटी में हो, मतलब रैंडम वेरिएबल में। तो एक्स वन एक्स टू एक्स एन इस तरह से कोई सिक्वेंस है, बी अ सिक्वेंस ऑफ रैंडम वेरिएबल एंड वी से एक्स एन कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूशन टू एक्स, है ना, हम ये बोल रहे हैं एक्स एन कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूशन टू एक्स इफ। अब देखो जो इफ लिख रहा हूं वो एक्चुअली सफिशियंट कंडीशन हुआ, इफ एंड ओनली, है ना, ऐसा नहीं लिख रहे हैं इफ व्हाट। अच्छा इसमें कुछ सीडीएफ डीएफ का यूज चक्कर होता है ना, क्योंकि कन्वर्जेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक लिख देता हूँ, इफ लिमिट ऑफ एफ एन एक्स, अच्छा ये डेफिनेशन है, तो यहाँ तुम इफ एंड ओनली लिख दोगे चलेगा। डेफिनेशन हमेशा ना नेसेसरी एंड सफिशियंट होता है किसी चीज के लिए, मतलब डेफिनेशन इज इफ एंड ओनली, थ्योरम में देखना होता है तुम्हें देन लिखा है तो वो उसके लिए सफिशियंट या नेसेसरी, उसके हिसाब से देखना होता है। ओके सो लिमिट, अच्छा देखो जैसे एग्जांपल लेता हूँ, मुझे याद है एक एग्जांपल, जैसे कंटिन्यूटी है तो डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ अ फंक्शन इंप्लाइज कंटिन्यूटी, होता है ना कि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, तो डिफरेंशिएबिलिटी इज सफिशियंट फॉर कंटिन्यूटी, मतलब डिफरेंशिएबल है फंक्शन तो वो सफिशियंट है ये कहने के लिए कंटिन्यूअस है। बट क्या ऐसा है कंटिन्यूटी सफिशियंट है डिफरेंशिएबिलिटी के लिए, ऐसा है? Continuity is not sufficient. क्यों? क्योंकि बहुत सारे ऐसे फंक्शन है जो कंटिन्यूअस है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है, मॉड एक्स ले लो तो कंटिन्यूअस है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है, तो कंटिन्यूटी इज नॉट सफिशियंट फॉर डिफरेंशिएबिलिटी, बट डिफरेंशिएबिलिटी इज द सफिशियंट फॉर कंटिन्यूटी। अच्छा दूसरी तरह से बात करते हैं, कंटिन्यूटी इज नेसेसरी फॉर सफिशियंसी, कंटिन्यूटी इज नेसेसरी फॉर सफिशियंसी डिफरेंशिएबिलिटी। कंटिन्यूटी मतलब कंटिन्यूअस होना फंक्शन का नेसेसरी है डिफरेंशिएबल होने के लिए, मतलब अगर कॉन्टिन्यूअस नहीं हुआ तो वो गारंटी है डिफरेंशिएबल नहीं होगा, तो मतलब कॉन्टिन्यूटी जो नेसेसरी कंडीशन है सफिशियंट होने के लिए, और डिफरेंशिएबिलिटी सफिशियंट है नेसेसरी सफिशियंट है कॉन्टिन्यूटी के लिए। फिर से बोलता हूँ, हम लिखा था ना पी इंप्लाइज क्यू, फिर से बोला था मैंने पी सफिशियंट होता है क्यू के लिए, इसका मतलब होता है पी इज सफिशियंट फॉर क्यू, तो इसमें कंफ्यूजन ना हो ध्यान का, इसका मतलब होता है क्यू जो है Q is necessary for P. Q necessary है P होने के लिए, ना ये चीज है, and P is sufficient for P. तो ये तीनों equivalent statement है, मतलब if P then Q and P is sufficient for Q. ये सही एक equivalent statement है, मतलब same ही है सबका, तुम if P then Q लिखो या P is sufficient condition for Q या अब Q is necessary for P. अब यहां तुम पूछोगे ओके कंटिन्यूटी का कंटिन्यूटी जो है वो नेसेसरी है डिफरेंशिएबिलिटी के लिए, तो कंटिन्यू मतलब डिफरेंशिएबिलिटी का क्या है नेसेसरी कंडीशन, डिफरेंशिएबिलिटी के लिए सफिशियंट कंडीशन क्या है, तो फिर डेफिनेशन पे जाना पड़ेगा कि मतलब डिफरेंशिएबिलिटी के लिए व्हाट इज द सफिशियंट कंडीशन फॉर डिफरेंशिएबिलिटी, तो ऐसा कोई थ्योरम है नहीं है, तो उसके लिए तुम्हें डेफिनेशन पे जाना पड़ेगा। ओके जो डेफिनेशन होता है कि f dash x must exist, वो जो लिमिट वाला कॉन्सेप्ट था
नहीं मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ उस वाले कॉन्सेप्ट को, मुझे याद आया इससे। ये बहुत अच्छा एग्जांपल है। तो वैसे बहुत सारे चीज करेगा जो वन वे टू वे नहीं होता है ना, जैसे यहाँ इधर से इधर नहीं जा सकते, तो हम ये नहीं बोल सकते कि डिफरेंसिबिलिटी इज बोथ नेसेसरी एंड सफिशिएंट। नहीं, डिफरेंसिबिलिटी नेसेसरी नहीं है, डिफरेंसिबिलिटी जरूरी नहीं है कंटिन्यूअस होने के लिए, लेकिन हाँ डिफरेंसिबिलिटी सफिशिएंट है कंटिन्यूअस होने के लिए। सिमिलरली कंटिन्यूटी नेसेसरी है डिफरेंशिएबल होने के लिए, बट कंटिन्यूटी इज नॉट सफिशिएंट फॉर डिफरेंसिबिलिटी। तो इससे तुम्हें समझना पड़ेगा। तो ये वन वे स्टेटमेंट है, टू वे नहीं है। वन वे मतलब सिर्फ तुम लेफ्ट टू राइट जा सकते हो, राइट टू लेफ्ट नहीं आ सकते। तो लेफ्ट साइड इज सफिशियंट फॉर राइट साइड, राइट साइड इज नेसेसरी फॉर लेफ्ट साइड। ओके, हाँ तो यहाँ पे क्या लिख रहा था, ओके याद आ गया बीच में। हाँ सो यहाँ पे क्या है, वी से दैट एक्स एन कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूशन टू एक्स, एक्स एन कोई सीक्वेंस है वो कन्वर्ज करे किसी रैंडम वेरिएबल एक्स पे, अगर जो एक्स एन का सी डी एफ है उसके लिमिट, तुम ऐसे भी लिख सकते हो चाहो तो, एफ एन एक्स विल कन्वर्ज टू एफ एक्स। ये वही बात है, अगर तुम ऐसे लिखना चाहो लिमिट एन टेंस टू इनफिनिटी एफ एन एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है, फॉर ऑल एक्स वेयर या एट ऑल पॉइंट वेयर सी डी एफ ऑफ एक्स जो लिमिटिंग डिस्ट्रीब्यूशन है दिस इज कॉन्टिन्यूअस। ओके, तो ये था कन्वर्जेशन डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब, और इसका एप्लीकेशन है सेंट्रल लिमिट थ्योरम, तुम्हें ये पता है, ठीक है। तो दिस यू नो दैट कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी एक डेफिनेशन है, ठीक है, इसका एप्लीकेशन जो है, इसका एप्लीकेशन है वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर। फिर ऐसे ही कन्वर्जेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन ये एक डेफिनेशन है, मतलब वो तुम्हें बताता उसका मतलब क्या है, और इसका एप्लीकेशन है सेंट्रल लिमिट थ्योरम, सीएलटी, सेंट्रल लिमिट थ्योरम, ठीक है। वैसे ही आगे जाकर पढ़ोगे कन्वर्जेंस इन, ये ऑलमोस्ट श्योर कन्वर्जेंस होता है, तो ये मेजर थ्योरी में आ जाता है, इसलिए यहाँ नहीं बताया गया, ऑलमोस्ट श्योर। यहाँ जाम में नहीं है, जाम का सिलेबस देखते रहना क्या है क्या नहीं है। तो ऑलमोस्ट श्योर कन्वर्जेंस होता है, तो इससे आता है स्ट्रॉन्ग लॉ ऑफ लार्ज नंबर, ठीक है। वो और एक थ्योरम भी है, रिजल्ट ये है कि एक्स एन कन्वर्जेस ऑलमोस्ट श्योर टू एक्स इम्प्लाइज एक्स एन कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू एक्स एंड दिस इम्प्लाइज एक्स एन कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूशन टू एक्स। अब देखो ये वाला सफिशियंट कंडीशन है इसके लिए और ये वाला सफिशियंट कंडीशन है इसके लिए, बाकी उल्टा आ जाओगे तो नेसेसरी हो गया। मतलब अगर ऑलमोस्ट श्योर कन्वर्जेंस है तो ये गारंटी देगा कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी होगा, गारंटी देगा कन्वर्जेंस डिस्ट्रीब्यूशन होगा, फिर बाकी इधर ये नेसेसरी है। एनीवे तो ये एक थ्योरम होता है ना, ऐसा भी लिखा होता है ऑलमोस्ट श्योर इम्प्लाइज probability implies distribution। तो कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। तो क्वेश्चन लिखता हूं मैं, अब ये क्वेश्चन ट्राई करें। सो द क्वेश्चन इज कुछ बोल रहे हैं, आवाज नहीं आ रही आपकी। सो राइट द एग्जांपल, सो सर एक क्वेश्चन बताइए। हाँ सर, जैसे कन्वर्जेंस डिस्ट्रीब्यूशन में तो बोथ मीन वेरिएंस सैंपल वेरिएंस करते होंगे क्योंकि हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं, और कन्वर्जेंस लेवल हम एक्स बार को ले रहे थे, तो दोनों के बीच कोई रिलेशनशिप है क्या इसमें? ओके, तो मतलब ये कह रहे हैं हम जो वीक लॉ ऑफ लार्ज में बात कर रहे थे कि एक्स बार कन्वर्ज करता है इन प्रोबेबिलिटी टू एक्स, है ना, और सेंटर लिमिट थ्योरम में हम बात कर रहे हैं कि दिस एक्स बार माइनस ये था म्यू अपॉन सिग्मा अपॉन रूट एन विल कन्वर्ज इन डिस्ट्रीब्यूशन टू पाई, ये मतलब है ना। तो मतलब क्या पूछ रहे, इन दोनों में रिलेशन क्या है?
दोनों के बीच एक है कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी, एक है कन्वर्जेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन, तो दोनों के बीच कोई रिलेशनशिप है, कोई इम्प्लीकेशन फॉलो करता है लॉजिकल? यहाँ लिखे है ना, कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी इम्प्लाई करेगा कन्वर्जेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब थ्योरम है, मैं वर्ड में लिखूँ अगर, तो इफ कोई सिक्वेंस ऑफ रैंडम वेरिएबल xn है कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी ओके टू x, देन xn कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूशन टू x, इन डिस्ट्रीब्यूशन टू x, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू, कन्वर्स इज नॉट ट्रू मतलब अगर xn कन्वर्ज कर रहा है डिस्ट्रीब्यूशन में तो कोई जरूरी नहीं इट विल कन्वर्ज इन प्रोबेबिलिटी, बट इफ इट कन्वर्ज इन प्रोबेबिलिटी ये बता रहा है कि अगर कन्वर्ज कर रहा है प्रोबेबिलिटी में देन इट मस्ट कन्वर्ज इन डिस्ट्रीब्यूशन, ये एक थ्योरम है। अगेन फॉर द प्रूफ इस बुक में नहीं होगा, साहू वाली बुक बहुत एलिमेंट्री बुक है, मतलब बेसिक बुक है, तो इसमें बहुत जो डिफिकल्ट थ्योरम है उसका प्रूफ इन्होंने स्किप किया है, तो इसका इसमें प्रूफ नहीं होगा और ये रिजल्ट भी लिखा होगा कहीं पर, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू, द उल्टा सही नहीं है, ठीक है। तो वन में ये रिलेशन है कि कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी विल इंप्लाई टू कन्वर्जेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन। ओके तो राइट वन क्वेश्चन एंड ट्राई, सब लोग पेन पेपर लेकर बैठे ही हो गए, ट्राई करो। क्वेश्चन ये है कि मान लो ऐसा है, सो लेट y इज समेशन एक्स आई आई फ्रॉम 1 to 15, ठीक है, बी द सम ऑफ रैंडम वेरिएबल है ना, दिस वेयर x1 x2 मान लो x15 आर रैंडम सैंपल विथ PDF, ठीक है, सो y सम ऑफ रैंडम वेरिएबल्स है और x1 x2 x15 जो है वो रैंडम सैंपल है, रैंडम सैंपल मतलब हुआ IID रैंडम वेरिएबल, ठीक है, तो रैंडम सैंपल विथ PDF, सो fx यू हैव 3/2 x² एंड -1 <1 x 1, ठीक है, इस तरीके से है, 0 अदरवाइज, क्वेश्चन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट, क्वेश्चन इज फाइंड प्रोबेबिलिटी वाई मोर देन -0.3 लेस देन 1.5, ट्राई करो इसको अप्लाई करके देखो, अप्रोक्सीमेट आंसर बताओ। तो तुम सेंट्रल लिमिट थ्योरम यूज कर सकते हो यहाँ पे ना, अच्छा वो हमने एक्स बार के टर्म में लिखा है, तुम उसके टर्म में भी लिख सकते हो, हमने जो लिखा है वो किसके टर्म में लिखा है, एक्स बार के टर्म में, तुम उसके टर्म में भी लिख सकते हो, किसके, सम के टर्म में, है ना, मतलब कोई दिक्कत नहीं, जो भी है उसका मीन, यहाँ एक्स बार है तो उसका मीन और उसका स्टैंडर्ड डेविएशन, अगर तुम SN लिखते, SN मतलब हुआ सम ऑफ एन रैंडम वेरिएबल, तो उसका मीन, तो उसका मीन क्या होता है, एन म्यू, ये होता है ना, और उसका वेरियंस क्या आएगा, SN का वेरियंस कितना आता है, एन सिग्मा स्क्वायर, दिस विल कन्वर्ज, मतलब ये इसके हिसाब से तुम इसको भी फिट कर लेना, दिस विल आल्सो कन्वर्ज, पंद्रह पंद्रह का ही बात कर रहा है ना, कोई बात नहीं, हाँ फिर भी स्टैंडर्ड डेविएशन और लार्ज 30 के एवम रहेगा तो देन सेंट्रल लिमिट थ्योरम अप्लाई करेंगे ना, यू कैन फाइंड द एप्रोक्सीमेट आंसर, इसमें एप्रोक्सीमेट पूछा है, व्हाट इज द एप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ दिस व्हेन वन यूजेस द सेंट्रल लिमिट थ्योरम, इसमें क्वेश्चन में भी लिखा है, मैंने लिखा है, उसने बोला है कि इसका अप्रोक्स आंसर निकालो सेंट्रल लिमिट थ्योरम यूज करके,
मतलब क्वेश्चन में लिखा वही यूज करके तुम्हें फाइंड करना है क्या आता है अप्रॉक्स आंसर. सो दिस विल कन्वर्ज इन डिस्ट्रीब्यूशन टू ईवीएसई होगा जेड. मतलब जो भी यहां तो रैंडम वेरिएबल यूज कर रहे हो उसका मीन और उसका स्टैंडर्ड डेविएशन इन डिनोमिनेटर. फिर भी यूज करो 15 साइज है कोई बात नहीं. फिर भी क्या आंसर आता है अगर हम स्पेस सेंटर में थ्रू लगाए तो. Phi of 0.5 minus phi of 0.1. ओके तो कही आ रहा जी. मतलब अब क्या है इसमें मीन निकालना पड़ेगा वाई का. माइनस में होगा जो 0.1 होगा वो माइनस में होगा. फाइव ऑफ माइनस 0.1. तो पहले किसी एक एक्साई का मीन निकालो है ना. वाई तो समेशन है ना तो वाई एस एन है तो उसका मीन उसके हिसाब से होगा. तो इसका मीन क्या आया इसके हिसाब से कोई मीन निकाल लो. ठीक है किसी एक एक्साई का जीरो जीरो आ जाएगा सर. किसी एक एक्साई का मीन जीरो हो गया. ओके तो अब क्या है तो यहाँ से वाई आई का मीन निकालोगे ई ऑफ वाई. वाई समेशन है ठीक है ना तो ऐड हो जाएगा 15 टाइम्स. सो 15 इंटू जीरो स्टिल इट विल बी जीरो. किसी एक एक्साई का वेरियंस क्या आया मतलब उस पीडीएफ को यूज करके वेरियंस निकाल लो. कितना आया 3/5. तो 3/5 आया मतलब जो भी पीडीएफ दिया है पीडीएफ को यूज करके वेरिएंस निकालो 3/5. और जिनको ये भी नहीं आ रहा बताना मैं सॉल्व कर दूंगा. सो वेरिएंस किसी एक रैंडम में 3/5 आईआईडी है तो इंडिपेंडेंट है इसीलिए वेरिएंस जो होगा 9. हाँ तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 15 टाइम 3/5 तो 9 आ गया. अब स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वाई का है ना सिग्मा वाई इज 3 एंड म्यू वाई इज 0. सो यूजिंग सेंट्रल लिमिट थ्योरम तब तुम्हें चाहिए था प्रोबेबिलिटी माइनस 0.3 लेस देन वाई लेस देन इक्वल टू 1.5 में. सो वाई माइनस मीन है 0 स्टैंडर्ड डेविएशन 3 है 1.5 माइनस 0.3 एंड माइनस 0.3 माइनस 0/3. ठीक है अब इसको सिंप्लीफाई क्या किया हमने मीन सब्ट्रैक्ट किया वाई का और अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन. सो लाइक यू कैन से म्यू वाई सिग्मा वाई वी सब्ट्रैक्टेड दिस. सो वी हैव टेकन म्यू वाई एंड सिग्मा वाई. सो यू गेट प्रोबेबिलिटी इसको ये जेड हो जाएगा. सो दिस विल बी जेड यूजिंग सेंटलमेंट थ्योरम. सो दिस इज 1.5/3 एंड ये है तुम्हारा 0.3. कितना हो जाएगा 3/3 कट गया 1/10. यस सर ये आ रहा ना. सो यस सर 5/1/2 माइनस 5/-1/10 ये फॉर्मूला पता है सबको. सो 5 - 5 CDF माइनस CDF दिस नॉर्मल है. अब इसको तुम ब्रेक कर सकते हो 5/2 माइनस ये 1 - 5/1/10 आ जाए तो 5-z इज 1-5z. सो दैट्स व्हाई यू गेट 5/2 5/1/10 माइनस 1. और ये जो 5 है ये क्वेश्चन में गिवन होगा आपको. तो ये 5 जब जैम में अगर क्वेश्चन आएगा सो ये वैल्यू आपको गिवन होंगी वहां पे क्वेश्चन में या फर्स्ट पेज पे जो इंट्रोडक्शन होता है उसमें आपको उसके अकॉर्डिंग यूज करना. इस तरह क्वेश्चन अगर y की जगह अगर x बार होता है इसमें तो वैसे ही x बार का फिर मीन निकालते हैं. मान लीजिए x बार होता तो हम x बार के लिए काम करते हैं. अगर इसी में आपको x बार दे दिया तो वही काम हम x बार के लिए करेंगे. ठीक है तो अब क्या करेंगे हम x बार का मीन निकालेंगे. तो xi का मीन निकाला ही है तो जो x बार का मीन होता है वो वही होता है जो xi का मीन होता है.
तो वो जो भी आया जीरो ही आएगा। हमें वेरियंस ऑफ एक्स बार चाहिए, तो वेरियंस ऑफ एक्स बार जो होता है किसी एक एक्स आई के लिए वो सिग्मा स्क्वायर बाई एन होता है। सिग्मा स्क्वायर किसी एक एक्स आई का वेरियंस है, तो वो आपका वेरियंस कितना आया था 3/5 और अपॉन आपके पास एन कितना है, ये एक्स बार का निकाल रहा हूँ ठीक है, तो एन हमारे पास 15 था है ना। सो 3/ तो यहाँ काट दो, 3 से काट दो 15 को ना, 1/25 आ जाए। तो ये वेरियंस है, ये एक्स बार का स्क्वायर है, मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए ठीक है, तो 1/5 आ जाएगा। तो उसके हिसाब से काम हो जाएगा, इसका मीन 0 और एक्स बार का स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है जो कि है 1/5, तो वैसे ही कर लेंगे। 1.5 माइनस 0 अपॉन 1/5, यहाँ भी ऐसे ही हो जाएगा ठीक है। अब तो ईजी हो गया, बस ऐसे ही अब इसको उसी फॉर्म में लिख देना है, मतलब जो भी है उसमें यहाँ पे जो भी रैंडम वेरिएबल है उसका मीन सब्ट्रैक्ट करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड करना है। सो दैट विल बी जेड, अब यहाँ से हमारा आ गया 1.5 3/2 है, तो 15/2 हो जाएगा, जेड हो गया। ऐसे यहाँ पे ये 3/10 है, तो ये तुम्हारा माइनस 3/10 3/2 आएगा इस तरीके से, तो आ गया ना। फिर बाकी वैसे ही अब जब हम बेक करते हैं, 5 of 15/2 - 5 of -3/2, देन 5 of 15/2 माइनस 1 - 5 of 3/2, इसको ब्रेक कर लो, ये प्लस हो जाएगा इस तरीके से। तो ऐसे ही है, जो भी आएगा उसके हिसाब से। ऐसे नेक्स्ट है, एक क्वेश्चन और करो, हाँ तो ये तुम लोग खुद ही कर सकते हो। सो दिस क्वेश्चन इज, यू हैव x1 x2 xn विद अ रैंडम सैंपल ऑफ साइज 25, सो लाइक इफ x1 x2 एंड x25 गिवन ठीक है, फ्रॉम पॉपुलेशन with mean you have 71.43 ठीक है, and variance you have 56.25. so question hai, what is the probability that x bar will lie between 71.97 and less than this and more than this, 68.71, ये करके देखो क्या आएगा। ये वैसे इजी है, जस्ट यू कैलकुलेट इट।
थोड़ा कैलकुलेशन होगा, मेथड तो पता ही ना सबको, थोड़े से कैलकुलेशन में भी करना पड़ेगा। Phi of 0.36 plus phi of 1.8 minus 1. ओके तो इसको सॉल्व करके देखो ना क्या आता है। x बार माइनस म्यू है ना, तो इसका मीन जो है, मीन तो सेम ही रहेगा क्योंकि x बार का मीन वही होगा जो एक्स आई का मीन है। स्टैंडर्ड डेविएशन, सो x बार का सिग्मा स्क्वायर बाई एन होता है, तो सिग्मा स्क्वायर इज 56.25, सो उसका रूट ले लो। चलो सिग्मा जैसे भी है ना, वन मिनट, सिग्मा स्क्वायर बाई एन, एन इज 25 और उसका रूट ले लिया हम, तो ये सिग्मा स्क्वायर बाई एन पूरे का रूट लिया, मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स बार। इसमें किसी को डाउट है तो पूछना। सो सिमिलरली 71.97 माइनस ऐसे होगा 71.43 अपॉन 56.25 अपॉन 25 एंड मोर देन इक्वल टू ऐसे ही 68.71 माइनस क्या था 71.43। ओके अब इसको सिंप्लीफाई कर लो जो भी आता है कैलकुलेटर से, चाहो तो कैलकुलेटर जहाँ में अलाउड रहता है तो वहाँ भी तुम यूज कर सकते हो, जो भी आएगा। मान लो यहाँ मान लो बी आ गया या ए आ गया सपोज, तो उस तरह से सिंप्लीफाई कर लेना। 5b-5 ये इजी है, इस तरह से क्वेश्चन कर लो। अच्छा क्वेश्चन क्या होता है, जैसे तुमसे पूछ ले, हमने एक क्वेश्चन ऐसा देखा था मोमेंट जेनरेटिव फंक्शन ऑफ एक्स बार, मतलब हमने ये फाइंड किया था। सो ये आया था प्रोडक्ट ऑफ एम एक्स आई टी बाई एन, ये आई थिंक अभी लास्ट क्लास उस क्लास पहले ही किया था जब आई आई डी नहीं है। आई फ्रॉम 1 to n और इसी में हमने आई आई डी कर दिया था। तो इफ x1 x2 xn आर आई आई डी रैंडम वेरिएबल, ठीक है, तो इंडिपेंडेंट आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इन दैट केस जो x बार का मोमेंट जेनेटिक फंक्शन होता है वो तो सबका फिर सेम आ जाता है। सो कोई भी एक एक्स आई ले लो और t बाई एन एंड दिस पावर जो इसका होगा वो n हो जाता है। ओके तो इस पर कुछ क्वेश्चन ट्राई करो। So this is MGF of x bar. So question क्या है कि जैसे तुम्हारे पास एक PDF है, so question is what is the distribution of if the question है तुम्हारे पास एक्स आईज आर, या ऐसा लिख लो एक्स वन एक्स टू इस तरीके से कितना है एक्स एन। ओके बी आई आई डी
रैंडम वेरिएबल है, ये एन तक है, ठीक है, एक्स वन एक्स टू एक्स एन है विथ डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपोनेंशियल वन. एक्सपोनेंशियल वन का मतलब पता ही है, क्लियर है. सो एक्सपोनेंशियल वन है. सो क्वेश्चन इज व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, सो आई एम डिस्कसिंग क्वेश्चन. सो फाइंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार, क्या होगा इन टर्म्स ऑफ एन आएगा, लेकिन बताओ डिस्ट्रीब्यूशन क्या आएगा एक्स बार का. So in short, you have x i's as exponential 1. Exponential 1 मतलब हो गया. It will have pd of e raised to power minus x. X is positive. Gamma follow करेगा. क्या आएगा बताओ? So x bar y मान लो x bar है. Gamma follow one n comma है. लेकिन गामा यहाँ पे कौन सा वाला पीडीएफ है, तुम्हें ये डिसाइड करना पड़ेगा विच पीडीएफ यू हैव फॉर गामा. तो ये इसने अपने तरीके से डिफाइन किया होगा. तो बताओ ये फॉर्मूला तुम यूज़ कर सकते हो, पहले तुम उसका सीडीएफ निकाल लो अभी, तो इससे तुम्हें फिर पता चल जाएगा. देखो तो यहाँ जो यूज कर रहा है, आई थिंक मुझे लग रहा है जो मतलब जैसे So, यहाँ से एम जी एफ अगर हमें किसी एक एक्स आई का पता करना हो, सो एनी वन एक्स आई मान लो एक्स वन ले लो. सो ये एक्सपोनेंशियल है, तो इसका आता है लैम्डा अपॉन लैम्डा माइनस टी उस तरह से. तो यहाँ तो वन ही है, जो भी फॉलो कंसीडर करो वन बाई लैम्डा वाला यार. सिस्टम हैंग कर रहा है, ठीक है, इसको करना है. हाँ वही डिपेंड करता है तुम्हारा कौन सा तुम गामा कंसीडर कर रहे हो, है ना. तो वो फिर से गामा में अलग अलग, थोड़ा बताया था तुम्हें कि अलग अलग बुक में अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन है, तुम्हारे दिमाग में अपना डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो उसके हिसाब से तुम्हें पता है कि क्या लिखना है वो चीज़ है. बट पी डी एफ तुम लिखोगे तो सेम ही रहेगा. थोड़ा सिस्टम हैंग कर रहा है, एक मिनट. तो हाँ, सो इसका जो आता है वन अपॉन वन माइनस टी होगा. देखो जी, ईच एक्स आई विल हैव एम जी एफ दिस, क्योंकि एक्सपोनेंशियल वन का एम जी एफ तुम्हें पहले से पता है. तो दिस विल बी दिस. अब जैसे हमने फॉर्मूला लिखा है, हमें आई आई डी कंसीडर दिया है, तो इसका मतलब आई आई डी केस में क्या होता है, एम जी एफ ऑफ एक्स बार जो होगा एम जी एफ ऑफ एनी एक्स आई, सो लाइक तुम एक्स वन ले लो, और टी बाई एन होता है और इसकी पावर एन आता है. तो वन अपॉन वन माइनस टी के जगह हमें टी बाई एन रखना है, ठीक है, और इस पूरे की पावर एन. इसका मतलब ये हो गया कि लाइक वन माइनस टी बाई एन और इसकी पावर माइनस एन. अब देखो तुम अगर उस वाले फॉर्म पे लिखते हो वन माइनस बीटा टी रेस्ट पावर माइनस अल्फा, अब ये किसका होता है, क्वेश्चन ये है कि ये वाला एम जी एफ किसका होता है. तो उस केस में जो हमने पी डी एफ लिखा था, आई थिंक ये वाला है ना, वन बाई गामा अल्फा बीटा रेस्ट टू पर अल्फा है ना, e रेस्ट टू पर माइनस एक्स बाई बीटा एक्स रेस्ट टू पर अल्फा माइनस वन. तो यहाँ है एक्स इज मोर देन जीरो इस तरीके से. तो इसके लिए ये एम जी एफ था. सो अगर मैं इसको बोलता हूँ कि दिस इज एम जी एफ फॉर बीटा सॉरी गामा अल्फा बीटा, क्या लिखता हूँ अल्फा बीटा इस तरीके का लिखता हूँ मैं, तो अल्फा के प्लेस पे देखो क्या है,
अब वही डिपेंड करता है नोटेशन है, फिर से बोल रहा हूँ मैं, जैसे भी लिखना है तो उसके हिसाब से यहाँ से पता चला कि ओके एक्स बार इज नथिंग बट एक्स बार का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब इस वाले पीडीएफ के हिसाब से, तो इस वाले पीडीएफ के हिसाब से ये वाला एमजीएफ मिलता है और उसके हिसाब से लिख रहा हूँ मैं, जैसे गामा अल्फा का प्लेस पे क्या है, यू हैव माइनस एन, अगर कंपेयर करोगे तो हाँ एन, और बीटा के प्लेस पे क्या है 1/n, जो कि बुक में ये बीटा अल्फा लिखता है, मतलब जो साहु वाली बुक है वो उल्टा लिखता है नोटिस, तो वो डिपेंड करता है फिर तुम्हारे दिमाग में जो है उसके हिसाब से फिट करना, क्योंकि एग्जाम में कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, तुम्हें लग रहा है एग्जाम में कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, वहाँ उनको भी पता है, तो उसके हिसाब से वहाँ तुम्हें नोटेशन क्लियर होगा क्या मतलब है उसका। एग्जाम में मोस्टली एक दो एग्जाम में लिखा हुआ है, यही लिखा था। ओके, तो इस तरीके से है, और ये भी गामा 1/1 है, अगर 1/1 इसमें पुट कर लो, देखो अल्फा को 1 बीटा को 1, तो गामा 1/1 क्या हो जाता है, देखो अगर तुम गामा 1/1 लिखते इस पीडीएफ के हिसाब से, अगर मैं पूछूं कि गामा 1/1 का पीडीएफ क्या आता है, इस वाले पीडीएफ में 1/1 पुट कर दो क्या आएगा, ये आएगा माइनस एक्स। सो जो हमने एक्सपोनेंशियल दिया था वो ये भी लिख सकते तुम कि एक्स आईज आर, है ना, इस तरीके से कि इफ एक्स आईज आर गामा 1/1 इस पीडीएफ में, इस उसके हिसाब से, नोटेशन के हिसाब से, देन हमने ये दिखाया कि एक्स बार जो है दैट इज गामा एन कॉमा 1/n, ठीक ना। इस तरीके से है, तो यहाँ तक तुम लोग ट्राई करना, बुक तुम्हारे पास है, एग्जांपल्स तुम लोग सारे ट्राई करना, एंड आगे इन्होंने इसका लिमिट्स भी निकाला, अगर तुम इसका लिमिट्स फाइंड करोगे तो क्या होगा, ये बताना चाह रहा है कि एमजीएफ कहाँ कन्वर्ज करेगी। सो इफ यू सी एमजीएफ एन टेंस टू इन्फिनिटी ले लोगे तो क्या आ जाएगा, ये जो एम एक्स बार है इसमें अगर एन टेंस टू इन्फिनिटी ले लो, ये जो अभी हमने फाइंड किया है एम एक्स बार ऑफ टी, अगर तुम इसमें लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लगा दो, जो अभी हमारा क्वेश्चन आया है ना इन लास्ट एग्जाम्पल, वो जो मैं कर रहा हूँ उसी में बात करूँ, सो n टेंस टू इन्फिनिटी लगा दोगे, सो वेरी वेरी कन्वर्स, ये कहाँ कन्वर्स करेगी, तुम्हें फॉर्मूला पता होगा, एक तो पावर माइनस वन पूरा ऊपर कर लेते हैं, तो ई रेस टू पावर माइनस टी आता, फिर माइनस पावर है, ई रेस टू पावर टी हो जाएगा, है ना, क्योंकि एक फॉर्मूला है, फॉर्मूले में तो पावर पॉजिटिव होती है ना। यस सर, मतलब दो पॉइंट, एक यहाँ माइनस है, एक यहाँ माइनस है, दोनों माइनस क्या बना देगा, प्लस। वन प्लस वन बाई एन जो है ना की पावर एन कन्वर्स करती है ई की पावर वन पे, यहाँ x है तो ये e की पावर x हो जाएगी, ठीक है, ये होता है, तो यहाँ दो माइनस, दोनों माइनस प्लस कर देगा, एक माइनस को ऊपर ले जाओ, पूरे को होल पावर कर दो, ये माइनस वन है ना, तो मतलब पूरे की पावर माइनस वन कर दो, पूरे की पावर माइनस वन कर दो, तो ये तुम्हारा माइनस x आ जाए, अपने हिसाब से करके देखो। एनीवे anyway, तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, अगर लिमिट लगाएंगे तो क्या आया, ई की पावर टी, अब ये देखना है कि ये किसका एमजीएफ होता है, मान लो इसको मैं कुछ और बोल देता हूँ, चलो कुछ भी है ना, जेड बोल देते हैं या कुछ और, डब्ल्यू ले लो, तो वो डब्ल्यू क्या है, ऐसा क्या डब्ल्यू है जिसका एमजीएफ ये आता है, ई की पावर टी आता है, क्या आता है, नॉर्मल सो म्यूटी प्लस हाफ सिग्मा, नहीं नॉर्मल वन जीरो भी आता है, नॉर्मल, अच्छा 1/0 तो नॉर्मल ले लेंगे, अच्छा वेरिएंस लेंगे, तो मीन वन वेरिएंस जीरो, तो किस, ये कौन सा रैंडम वेरिएबल जिसका मीन वन है वेरिएंस जीरो, वेरिएंस जीरो मतलब वैरी कर ही नहीं रहा, सारे डाटा इक्वल है, तो इक्वल है मतलब सारे नंबर्स इक्वल है उसमें, तो मीन वन है और वेरिएंस फिक्स है, मतलब पता तुम क्या बात कर रहे हो, म्यू 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 म्यू, तो कांस्टेंट रैंडम वेरिएबल हो गया जिसको डीजेनरेट बोलते हैं, ठीक है, तो इसका एमजीएफ जो होगा
वो ई रेसिप्रोकल आएगा म्यू टी प्लस हाफ सिग्मा स्क्वायर टी स्क्वायर, तो ये है, ये एक्चुअली कुछ और नहीं है, डीजेनरेट अननंबरेबल है क्योंकि वेरिएंस है नहीं, वेरी कर नहीं रहा डाटा, सो दैट अ कांस्टेंट है, तो डीजेनरेट है मतलब, और वो मीन होता है, इसका मतलब ये हुआ कि प्रोबेबिलिटी एक्स इज इक्वल टू वन जो है वो तुम्हारा वन होगा, मतलब वन पे डीजेनरेट है एट एक्स इज इक्वल टू वन, क्योंकि वन क्या है, मीन है ना, तो डीजेनरेट हमेशा अपने मीन पे वन होता है, मतलब डीजेनरेट कॉन्स्टेंट रैंडम वेरिएबल होता है, लेकिन वो कॉन्स्टेंट एक्चुअली कुछ और नहीं, उस रैंडम वेरिएबल का मीन होता है, ठीक है ना, इसीलिए वो वन है, तो ये डीजेनरेट है, मतलब इसका मतलब ये है कि जो एक्स बार है अगर कन्वर्स कर रही है, लिमिटिंग डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो उसका डीजेनरेट है, मतलब व्हेन यू टेक n टेंड्स टू इंफिनिटी देन एक्स बार विल हैव डिस्ट्रीब्यूशन लाइक ऐसा है। सो हमने कहाँ से स्टार्ट किया था, 10 अगर कंक्लूड करें तो हमने ये लिया कि एक्स आई जो है आई आई डी गामा 1 1 है अपने नोटेशन के हिसाब से, तो हमने ये दिखाया कि एक्स बार इज गामा एन कॉमा 1 बाई n अकॉर्डिंग टू आर नोटेशन जो हमने ऊपर यूज दिखा है, एंड देन लिमिट यूज किया ना, सो व्हेन n टेंड्स टू इन्फिनिटी फॉर n टेंड्स टू इन्फिनिटी, सो एक्स बार का क्या डिस्ट्रीब्यूशन होगा, देन इट विल कन्वर्ज टू नथिंग बट डीजेनरेट है ना, कन्वर्ज टू वन यू कैन से म्यू जो कि वन है, या दिस इज डीजेनरेट डब्लू वेयर प्रोबेबिलिटी डब्लू इज इक्वल टू वन इज वन, मतलब डीजेनरेट एंड नंबर होगा। ये तो भी लिख सकते हो एक्स बार कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूशन टू वन, ये बात so, तुम लोग ये खत्म करना, अभी नेक्स्ट क्लास में मैं स्टार्ट करूंगा ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, क्योंकि ऑर्डर स्टैट्स आगे खूब आने वाला है, तो ऑर्डर स्टैट्स के बाद चैप्टर 14 स्टार्ट होगा, चैप्टर 13 में सिर्फ बचा है, तो तुम लोगों ने चैप्टर 11 भी शायद नहीं किया है, चैप्टर 11 का एक साइज में सारे क्वेश्चन नहीं करने हैं, सिर्फ मैंने बोला था सिर्फ स्टैंडर्ड नॉर्मल वाला चैप्टर नहीं, बाई मतलब इसमें मल्टीवेरिएट था ना, चैप्टर 11 में सिर्फ मल्टीवेरिएट वाला क्वेश्चन तुम ट्राई कर सकते हो, मतलब बाइनोमियल वाला जो होगा, चैप्टर 12 में था एक्सरसाइज ये भी तुम्हें करना है, इसमें था बाइवेरिएट नॉर्मल का, और अभी चैप्टर 13 भी तुम ट्राई करते हो, तो नेक्स्ट क्लास में यू कैन ट्राई दिस, सो नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करूंगा ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, और फिर उसके बाद आज वाला डाउट बता दीजिए सर। आज वाला डाउट जो भेजे थे, हाँ सर वो नहीं बन रहा सर, एचसीओ का क्वेश्चन है सर, वो ट्राई करते हैं, ठीक है जी, तो अभी तुम लोग क्या करना, चैप्टर 11, 12, 13 ट्राई करो एक्सरसाइजेस एंड एग्जांपल्स भी कर लेना उसके, एग्जांपल प्लस एक्सरसाइज हो सकता है ना, यू फिनिश दैट एंड ठीक है, तो जिनको जाना आज इतना ही रखेंगे, नेक्स्ट क्लास में मैं ऑर्डर स्टार्ट करूंगा, फिर चैप्टर 14 पे आएंगे, तो अभी इनके डाउट पे आते हैं, डाउट देखते हैं।